बाय, ऐसा लगता है। हाँ ठीक है ना। तो गैस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं इन्वॉल्व का ऑर्गेनिक कार परफ्यूम। तो गैस ये प्रोडक्ट आप किसी भी व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कार हो चाहे वो पिकअप ट्रक हो। फ्रेगरेंस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। बॉक्स के अंदर आपको एक कार परफ्यूम और एक डबल सेट टेप दी जाती है जिससे आप इजीली अपने व्हीकल के डैशबोर्ड पे इसको स्टिक कर सकते। प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इजीली इसको परचेस कर सकते हैं। ड्रम भी फिक्स करना है, जो भी वाटर बॉडी के अंदर जमा होगा वो टैंक में हम स्टोर करेंगे और टैंक लाई गई है। जैसे मैं दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आपको तो जो पाइप का लेंथ है वो 6 इंचज़ का हम लोग ने लिया है और इसके बाद में जो पाइप है उस पर ये ड्रम आने वाला है, टैंक आने वाली है जो कि स्टोर करेगी वाटर को, जो तो फिशरीज वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर आप यूज़ करते हो व्हीकल तो वाटर जम जाता है बॉडी के अंदर, वो इसके अंदर कलेक्ट होता है। तो फाइनली गाइस होल इंस्टॉल करके हो गया है और पाइप भी फिक्स किया है, वेल्डिंग हम लोग ने की है, आप देख सकते हो सरफेस में हम लोग ने स्मूथ किया है ग्राइंडिंग से। चलो गाइस नीचे देखते हैं, अभी ड्रम फिक्स करना है हम लोग को, पट्टी से इसको फिक्स करेंगे नट एंड बोल्ट से। तो गाइस ऐसे ही होल हम लोग ने आगे भी इंस्टॉल किए हैं, दोनों कॉर्नर में हम लोग ने इंस्टॉल किए हैं।
क्योंकि जो टैंक है उसको मार्किंग की गई है कुछ इस तरीके से, आप देखते हैं जो सर्कुलर। चलो अभी होल इंस्टॉल करते हैं इस टैंक में, इस ड्रम में। इसको जिस तरीके से इंस्टॉल किया है, और ये भी गाइस इसको भी एक होल मारना है, दो इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन कर की गई है। ओके तो अरे भाई लोग जा रहे हैं दोनों। तो गाइस ये आप जो देख रहे हो हम लोग ने जो कट किया है वो नंबर प्लेट नाम वगैरह करने के लिए किया है। तो ये छोटे दिख रहे होंगे आपको, 8 इंच बाय 4 इंच का है। तो ये गार्ड के नीचे आने वाले हैं, मैं दिखा दूँ, ये जो व्हीकल का गार्ड है उसके नीचे हम लगाने वाले हैं और थोड़ा मोबाइल लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंजेस लाए हुए हैं कुछ। ओके तो इसके ऊपर हम लोग ऐसे लगाने वाले हैं। दो होल इंस्टॉल करने हमने पंच मारा हुआ है कुछ इस तरीके से अभी लगेगा और हम लोग वेल्ड करेंगे इस गार्ड के नीचे। ये जो प्लेट है वो नाम वगैरह नंबर प्लेट आप इस पर डाल सकते हो कुछ इस तरीके से। अभी मूव करेगा आगे पीछे तो ऐसा कुछ ओनर का चॉइस ही है, तो हम लोग ने बनाया इसको। जो ओरिजिनल शेप है मडगार्ड का उसी तरह हम लोग ने इसको बनाया है कुछ इस तरीके से। और अभी पीछे पट्टी लगाना बाकी है जो कि हिलने से उसको रेजिस्ट करेगा। जो कार्गो बॉडी का डोर है उसको भी पैक करना है अभी जीआई शीट से, तो इसको ये पैक करेंगे। यहाँ पे जीआई शीट से कट करते हैं अभी और उसके पहले ग्रीसिंग करेंगे इसके अंदर।
तो फाइनली गाइस वर्क कंप्लीट हो गया है, पूरा टोटल बॉडी वर्क हो गया है। डिटेल में दिखाता हूँ आपको, हमने पहले ट्रे प्रिपेयर किया था कुछ तरीके से, अभी कलर भी मार दिया है। जो हुड है, शेल्टर है, वो भी कुछ इस तरीके से कलर कर दिया है, व्हाइट कलर मारा है, व्हाइट ऑयल पेंट, और हुक्स भी आप देख सकते हो और पीछे भी आप देख सकते हो थोड़ा। और ये जो एंड में आपको जो दिख रहा है वो गटर है। ये जो गटर है वो प्रिपरेशन का जो रीज़न है वो ये है कि जो पानी अंदर कार्गो बॉडी के अंदर रहेगा वो सेंसर्स पे आके नहीं गिरेगा, और जो पानी होगा वो गटर्स के अंदर जाएगा और सीधा ये जो आप देख रहे हो पाइप उसके ज़रिए से नीचे गिरेगा। पीछे आप देख सकते हो हमने गार्ड भी बनाया था, तो यहाँ पर हमने सी चैनल और एंगल का यूज़ किया था। नीचे भी आप देख सकते हो छोटी सी हमने नंबर प्लेट काटी थी GI शीट की और कुछ इस तरीके से लगाया है। ओके, और नट एंड बोल्ट से इसको फिक्स किया है दोनों साइड में। जो भी आपका नाम वगैरह रहेगा, नंबर्स वगैरह रहेगा, आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। और जो टोपी है इसकी गाइस, रूफ है उसका थोड़ा भी वर्क बाकी है हमने। तो गाइस जो व्हीकल का रूफ है, जो टोपी है उसका थोड़ा काम बाकी है। जो आप लास्ट का एंड देख रहे हो वहाँ पे हुक्स लगाना है हमको, तो इस वजह से यहाँ पे रखी गई है, कलर वगैरह नहीं हुआ है अभी तक। ये रहे हुक्स, सेमी सर्कल हुक्स हैं, तो ये वेल्ड करेंगे इसके ऊपर, इस वजह से इसका थोड़ा काम बाकी है, तो ये हुक्स लगे हो जाएगा। चलो गाइस प्राइस की बात करते हैं। जो भी पूरा बॉडी वर्क आया गाइस इस व्हीकल को, महिंद्रा बोलेरो पिकअप को, ये 8.4 फीट का था, तो इसका जो पूरा बॉडी वर्क था वो था 48,000 रुपीज़। ओके, 9 फीट जो रहती है बोलेरो वो हम लोग 50,000 रुपीज़ में हो जाता है।